Assalamualaikum friends, hello everyone, नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल जी। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मैं। आप देख रहे हैं डिस्को रिएक्शन चैनल 2.0। बहुत ही ज्यादा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आपको जैसे कि बताया, कल हमने एक वीडियो पर रिएक्शन दिया था अबरार, जो कि पाकिस्तान के फेमस यूट्यूबर हैं। तो वो बाइकर इंडिया पहुंचे थे और आज इंडिया में बर्थडे कैसा गुजरा उनका, वो देखने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। प्लीज वीडियो के एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं, ये हमारा जी यहाँ पे केरला में पहला या इंडिया का जो पहला खाना होगा ये होगा। और खुशी हो रही है ना कि फाइनली हमारे पास हमारी बाइक होगी और उस पर हम जो है वो इंडिया को एक्सप्लोर करेंगे। क्या बात है यार, वो बाइक आ गई। ये देखें जी, फाइनली हमारी बाइक जो है वो आ गई है यहाँ पे। हेलो, थैंक यू सो मच। सो वी हैव ओनली कार्नर पेपर। कोची इंडिया। रात को पहले आए थे ना, दिन है, पहला दिन है। Assalamualaikum everyone and welcome back to the channel from Kochi, Kerala, जहाँ पे हम कुछ 3-4 घंटे पहले पहुँचे थे और अभी हमें यहाँ पे आज हमारा जो पहला दिन स्टार्ट होने वाला है उसमें जाके हमें यहाँ पे कस्टम से बाइक पिक करनी है। मैंने आपको पहले वीडियो में जब हमने दुबई से अपनी बाइक भेजी थी उसमें सारा कुछ बताया था कि वहाँ पे किस तरह का प्रोसीजर था। होपफुली कि आज हमारा यहाँ पे भी काम जो है वो स्मूथली हो जाएगा और आज ही हमें बाइक जो है वो मिल जाएगी। शिपिंग कंपनी से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि आज मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें जल्दी से निकलना है क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो कम है। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू वन अनदर गाय इज हियर, कार्तिकन, ही इज फ्रॉम तमिलनाडु। फ्रॉम नामक्कल। And actually, he will be traveling with me during this whole 30 days that we are going to it's spend here. It's gonna be fun. Hopefully. Yeah. We never met before, but I knew him, I think maybe it's been like two years. Just before the COVID time, yeah. Probably. Yeah. Sure, when I bought my motorcycle, he was probably one of the very few guy who was uploading some pictures of G310, and I sent him a message. Since then, we have been in few times, we exchanged few messages, and before coming to India I needed someone to guide me here in terms of flying the drone, because being a Pakistani origin I don't want to take risk. And also I think the quality of the videos will improve. So hopefully we will bring some good content. Best. We'll try our best. So let's go. Yeah, let's go pick the bike. Yeah. कुछ ही के शहर अब घूम रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी के पीछे बैठ के जो है वो राइड कर रहा हूँ। और एक तो जो है ना, हमारा माइक्रोफोन जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा, इसलिए हम अभी बहुत ज़्यादा फुटेज रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन होपफुली वापसी पे जब हम बाइक राइड करके आएंगे तो आपको जो वो सिटी जो वो ज़रूर एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। बस एंड टाइम पे चीज़ें जब आप नया टूर स्टार्ट कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ जो है बस सही तरह काम नहीं कर रहे हैं। उनमें से जो है हमारा माइक्रोफोन है। जिससे ऊपर से गुजर के जा रहे हैं ना, ब्रिज पे आए, ब्रिज आए पुल पे। सो हम लोग जी यहाँ पे कस्टम के ऑफिस में पहुँच चुके हैं। ये एक आइलैंड है जिसे कहते हैं वेलिंगटन आइलैंड, और हम जो है यहाँ पे अभी कस्टम के पास गए हैं।
बहुत अच्छे लोग थे, बड़े फ्रेंडली थे। तकरीबन कोई एक डेढ़ घंटा जो है ना हमने एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाके, क्योंकि हमारी जो फाइल थी शिपिंग कंपनी ने ऑलरेडी बना के सारे डॉक्यूमेंट्स, उसकी मैं डिटेल आपको एंड पे दूंगा जब हम सब यहाँ से क्लियर करके बाइक लेके जाएंगे, तो उन्होंने उनको जो है वो प्रोवाइड कर दी थी। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, सारी चीज़ें पूछी हैं कौन कौन सा मैं जगहों पर विज़िट कर रहा हूँ। तो अभी उन्होंने ये कहा है कि हम आपके जो है ना बाइक की इंस्पेक्शन करेंगे, तो एक कोई लिखेंगे लेटर के इनको कोई इशू नहीं है, हम जो है ना इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद वो कंटेनर ओपन होगा और फिर इमिग्रेशन से कोई जो है ना इनको मेरे ख्याल में, क्योंकि जो वीज़ा वगैरह है उसको चेक करेंगे, आई एम नॉट श्योर, मुझे कोई ख़ास तौर पे समझ नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब वो कर रहे होंगे तो उसके बाद हम देखेंगे। तो हम तकरीबन कोई एक डेढ़ घंटे के बाद अभी यहाँ से निकल रहे हैं किसी जगह खाना खाने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पर लंच ब्रेक हो गया। तो हमने भी कहा है कि चलते हैं, और साथ साथ जो है ना अब माइक्रोफोन चल रहा है तो हो सकता है हम कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर सकें आप लोगों के लिए। ये आ गया जिस सामने रेस्टोरेंट वेज फीस्ट, आज हम वेजिटेरियन ही खाएंगे। रेस्टोरेंट ये हमारा जी यहाँ पे केरला में पहला या इंडिया का जो पहला खाना होगा ये होगा, इस तरह से सर्व करते हैं उनके कल्चर के हिसाब से खाना। यहाँ पे जी डिफरेंट वेजिटेबल्स जो है ना उनकी करी ला के हमारे सामने रख दी गई है। एक केला है, दही है, दिस इज कोकोनट, वो गार्लिक, हाँ ओके, दिस वन इज गार्लिक वन, राइस वही है ना, वो केला राइस दे, केरला राइस दे दे, वो चाहिए दूसरा। अब हम आए हैं केरला में तो केरला राइस ही खाने चाहिए। तो ये हमारे सामने जो है ये केरला की राइस है। मैंने कहा कि हम इसे खाएंगे दाल, हाँ यस यस दाल, हम जी बिस्मिल्लाह करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारा खाना जो है वो अच्छा होगा, हमारा इंडिया का पहला खाना। दाल इज वेरी गुड, और स्पेशली जिस तरह आप ट्रेडिशनल तरीके से सर्व कर रहे हैं, पापड़ है, दिस इज नहीं 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 घी है, अच्छा थोड़ा सा डाल अना कुतरिया होना घी भी डालते हैं, बात मजा आता है। गिव मी द कैमरा एंड कट्स अगेन, ईट योर फूड प्लीज, इट्स ओके, I'll tell you how to eat this one. How? I'll tell you how, which is the proper way to eat. Like okay. How? You have to mix it like this. Yeah. So Karthikeyan मुझे एक्चुअली बता रहा है कि किस तरह आपने खाना खाना है, इसको एक दफ़ा मिक्स करके, और उसके बाद जो है ना आपके पास ये जो बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे, अचार पड़ा है, डिफरेंट जो करीज पड़ी हुई हैं उनको जो है ना आप इसके अंदर डाल के अपने चावलों में जो है ना वो खाते हैं हम जी। आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद है कि हम सीख जाएंगे। अच्छा ऐसे खाना है, खा लिया उन्होंने भी, सॉरी चाय इज़ रियली गुड। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप कह सकते हैं कि दूध पत्तीनी जैसे होती है हमारे यहाँ, उसी स्टाइल में बनी हुई है, बगैर शुगर के हमें मिलती है यहाँ पे। हम लोग जी तकरीबन पिछले कोई 2.5-3 घंटे से यहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रहे थे शिपिंग कंपनी वालों के पास के कब हमारा जो है वो बाइक वाला कंटेनर जो है वो खोलेंगे, और उसके बाद हमें कहेंगे कि ये है आपकी रंगीली और इसे आप ले जाएं और इंडिया को एक्सप्लोर करें। तो अभी हमें कॉल आई है कि आ जाएं जी, आपका कंटेनर जो है वो खुलने वाला है, बाइक की इंस्पेक्शन होगी। ये सामने जो है स्कूटी पे है एक भाईजान, ये हमें ले के जा रहे हैं पोर्ट पे जहाँ पे हमारा कंटेनर है, ये शिपिंग कंपनी वाले हैं। तो अभी आपको जो है ना वो केरला की रोड्स जो है ना वो यहाँ पे दिखाते हैं, कोचिन की या कोची, ओवरऑल देखें तो बड़ा ग्रीन एरिया है, ग्रीनरी वो काफ़ी ज़्यादा है, बड़ा
साफ सुथरा भी वैसे काफी है ना। आई कैन सी माई बाइक अंदर से जो है वो आ रही है और सही बताऊँ जितनी खुशी हो रही है ना कि फाइनली हमारे पास हमारी बाइक होगी और उस पर हम जो है वो इंडिया को एक्सप्लोर करेंगे। क्या बात है यार, ये तो कहते हैं ना कि ख्वाब आपके जो है ना पूरे होते हैं। अभी बाइक आ रही है, देखते हैं। अभी इन्होंने निकाली नहीं है, ये इस दरवाजे से जब बाहर आ गई तब हमें देंगे। आ गई है ये फाइनली हमारी बाइक जो है वो आ गई है यहाँ पे। हेलो, भारी खड़ी है, लग रही है ना पानी वजह। BMW की बाइक काफी अच्छी बाइक। Thank you so much. Appreciate it a lot, all the help. And thank you so much. Appreciate it. और हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कार ने जो है वो साइन करवा के ले आए हैं, उसके ऊपर स्टैंप भी लगी है, तो ये हमें चाहिए होगा। सो डॉक्यूमेंट इज ओवर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो वी हैव ओनली Okay, thank you so much. Thank you very much. Thank you. You are happy? Yes, very happy. Okay. Thank you so much. They did it actually in exactly 2 weeks. They, as they promised in Dubai, they told me we will do it in 2 weeks. Thank you so much. Thank you. Thank you. Clearance. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सुभानल्लाह जी सखरलना हाजा व मा कुन्ना लहु मुकरिनीन वा इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून। या अल्लाह पाक खैर खरीत से हमारी इंडिया में ये पहली छोटी सी राइड गुजरे और बहुत अच्छी गुजरे। अभी हम लोग जिन शिपिंग कंपनी वालों के पास से जा रहे हैं, बहुत अच्छे लोग थे, स्पेशली ये जैकब साहब। सुबह से जो है हमें बिठा दिया कि आप बैठे यहाँ पे एसी में और ख़ुद जो है वो घूमते फिरते रहे एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, और इन्होंने काम शुरू करवा दिया। तो मैं पर्सनली जो है वो हाईली रिकमेंड करूँगा CSS दुबई में, इनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। कोई ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं है, मैंने खुद इनको $1200 जो है वो पे किया है। यहाँ पे कोई मैंने चार्जेस वगैरह नहीं दिए, अपनी मर्ज़ी से मैंने कुछ जो है वो लोगों को दिए जिन्होंने हेल्प किया, तो वो और बात है। बाकी एक चीज़ और बताता चलूँ कि इसका प्रोसीजर जो था वहाँ वाला तो मैंने आपको बता दिया था, बड़ा सिंपल सा था। कार ने मेरा इन्होंने रख लिया था, वो कार ने उन्होंने वहाँ से खुद जो है वो कोरियर किया है, और मेरे आने से पहले इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम वगैरह जो है वो करवा लिए थे। दूसरा ये है कि वहाँ भी इन्होंने मेरे से मांगा था पासपोर्ट, मेरा इंडिया का वीज़ा, मेरा दुबई का वीज़ा स्टैम्प, ड्राइविंग लाइसेंस, और आई थिंक बस यही चीज़ें थी। तो वो मैंने इनको दी थी, उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो वेरीफाई किया है, फिर इन्होंने इजाज़त दी कि आप वहाँ से शिप करवा लो। और जब यहाँ पे आया हूँ तो आने से पहले जो है मुझे चाहिए थी क्लियरेंस इंडियन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन इंडियन FIA से, तो उसके लिए भी इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। तो उनको जो है सिमिलर से ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, बस उसमें ये हो जाता था कि मेरी जो जर्मन इंश्योरेंस थी वो भी उनको चाहिए थी, मेरा जो यहाँ पे अभी जो मैं राइड कर रहा हूँ इंडिया की इंश्योरेंस वो भी मैंने करवा ली है, तो वो भी उनको चाहिए थी, और बाकी वही वीज़ा सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने इनको दिए थे कार्नेट के साथ उसी की कॉपीज़ वगैरह जो है ना मैंने ईमेल के थ्रू उनको किया था। तो वो 2-3 दिनों के बाद मुझे इंडियन FIA ने NOC दे दी थी, 6 महीने के लिए मैं बाइक यहाँ पे रख सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा वीज़ा जो है वो 1 महीने का है अनफॉर्चुनेटली, तो हमें उससे पहले पहले जो है वो इंडिया छोड़ना होगा, अदरवाइज़ लीगली आप जो है वो यहाँ पर 6 महीने चला सकते हो। तो वो NOC जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, और उसके बगैर जो है यहाँ पे बंदा जो है इम्पोर्ट नहीं कर सकता, मतलब बाइक यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि NOC के लिए आप अप्लाई करते हैं जब आपकी बाइक शिप के लिए ना
वहाँ से निकल चुकी हो अपने मतलब दुबई पोर्ट्स पे दी थी, तो वहाँ से जैसे वो निकली है ना तो फिर हम अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि उनको एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जो शिपिंग कंपनी वाले प्रोवाइड करते हैं, और वो शिपिंग के बाद मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि एक कंपनी नाम ये नहीं रखती रंगीली, वो कंपनी नहीं रख सकती, कंपनी का तो BMW है, BMW की कंपनी, लेकिन वो वैसे उन्होंने खुद से रखा हुआ है, प्यार से बुलाते हैं कि रंगीली रंगीली। तो इंडिया में आके उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, आपको पता है उन्होंने खाना खाया, खाना भी वो बोले काफी ज्यादा अच्छा, और उनके तरीके से खाया, वो सर्व उन्होंने इतने अच्छे तरीके से किया। और दूसरी साइड जहाँ पे बाइक वो लेने गए थे वो कितने अच्छे थे, वो उनसे पूछ रहे थे आप खुश हैं, और बोल रहे हैं हम बहुत खुश हैं, सभी लोग इतने ज्यादा अच्छे थे। और तमिलनाडु में हमने ये देखा भी कि हिंदी कम ही बोलते हैं, कम क्या, अभी तक कोई आया ही नहीं है हिंदी वाला, लाइक इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं या अपनी लोकल लैंग्वेज ज्यादा बोलते हैं। दूसरे जो होते हैं उनको तो आपको पता है या इंग्लिश आती है या हिंदी आती होती है, तो इंग्लिश का यूज ज्यादातर ये तमिलनाडु में फॉरन से जो आते हैं वो करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि हिंदी उनकी जो अपने एरिया की लैंग्वेज नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को समझ आ जाती है लेकिन बोलने में थोड़ी दिक्कत, होती है पेश आती है दिक्कत। लेकिन ये पहुंच चुके हैं जी, अभी अपनी बाइक इनको मिल गई, अब ये एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे, घूमेंगे सारा इंडिया और हम भी देखेंगे कि यार कहां कहां जाते हैं, कैसे। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे तरीके से मुझे, बिल्कुल, और इतने अच्छे तरीके से इंडिया में होना कंपनी थी था इनके साथ, मतलब कार्तिक से ज्यादा कर रहा हूं, वो भी इतने अच्छे तरीके से बोला है उसने, मुझे कुछ भी करने दिया वो, उन्होंने बोला कि आप बैठे रहे ऑफिस में एसी वाले और मैं इधर उधर फाइल लेके घूमता हूँ, तो वही उन्होंने सारा काम किया। तो इस तरह के लोग जब आपको एक कंट्री में मिल जाते हैं तो कितने आपका कितना ज्यादा है, और भी ना अच्छा लगता है कि यार इतने अच्छे लोग हैं यहाँ के और इतनी ज्यादा मदद कर रहे हैं मेरी, हालांकि वो कह रहे थे मैं कभी मिले भी नहीं इनसे, तो कितना अच्छा लगता है ना जब आपकी इतनी ज्यादा वो अपने से भी बढ़कर आपके साथ करें। अपने तो होते हैं वो आपकी हेल्प ही नहीं करते, लेकिन जब आप इस तरह से कंट्री में आते हैं और वो आपको अपनों से बढ़कर प्यार, आप एक तरह से आपको पता कुछ भी नहीं पता होता रास्तों का या किसी चीज का, कोई नहीं पता होता यार कहाँ पे जाना, कौन सा खाना अच्छा होगा, क्या खाना भी कहाँ से मिलना, ये भी नहीं पता होता, एक्सपीरियंस करके फिर बाद में धक्के खा के तो फिर आपको पता चलता है, एक दो बार जब आपको धक्के लगते तो फिर पता चलता है, लेकिन अगर इतने अच्छे दोस्त मिल जाए तो कितना ज्यादा भाई अच्छा लगता है। उम्मीद है हम जब आएंगे हमें भी ऐसे मिलेंगे, हम भी बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ये अभी मतलब कोची केरला में है, लेकिन यहाँ से अभी बाइक राइड पे ही मैं भी दिल्ली जाए, मुंबई इंडिया घूमेंगे, और वो भी हम आपके लिए लाएंगे, बहुत ही ज्यादा मजा आया इनकी वीडियो देखने में, और आपकी मोहब्बत देख के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत जो दिखाई है। प्लीज ऐसे ही हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो जल्दी ही इनकी नई वीडियो आएगी तो हम लेके लिए आपके लिए आएंगे, तो चलते हैं।